सोनीपत में 2 से 4 दिसंबर तक आयोजित होने वाले गीता जयंती समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर में दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के श्लोक लिखे गए हैं और मनमोहक पेंटिंग बनाकर तैयार कर ली गई है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को दर्शाया गया है। गीता जयंती बैनर पोस्टर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीर भी लगाई गई है। अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, सभी विभागों को उनकी जिम्मेवारी तय कर दी गई है। हम शहर में को गीतामय बनाने के लिए दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स करवाई जा रही हैं। बच्चों द्वारा गीता आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। एक नगर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सोनीपत में गीता जयंती समारोह की तैयारियों को जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। अब की बार खास तौर से भगवान श्री कृष्ण का संदेश दीवारों पर खास तौर से सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पर शंख बजाते हुए दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ श्री कृष्ण जो है सुदर्शन चक्र जरूर यहाँ पर उंगली पर चलाते हुए भी दर्शाया गया है। इस तरह का नजारा अब सोनीपत में देखने को मिल रहा है। खास रूप से भगवान श्री कृष्ण की अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को 9 रूपों में दर्शाया गया है और एक विराट रूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी बाकायदा यहाँ पर बैनर में, यानी कि एक तरह से लोगों को जानकारी मिल सके, इस तरह का पोस्टर जो है वो लगाया गया। दर्शनी जो है वो खास तौर से निकाल कर गीता के विषय में सभी को जानकारी दी जाएगी और यह पर्व खुशी व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।